अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर रोज सुनवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। यह अर्जी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है। एनईईटी को उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर मान्यता देने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिकाकर्ता को हलफनामे की कॉपी सौंपने को कहा था। ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को सौंपा गया है। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक में पुराने 500 और 1000 के नोटों को बदलने का आज अंतिम दिन है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो एनआरआई है या फिर नोटबंदी के वक्त विदेश में थे। आरबीआई की दिल्ली शाखा के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। लॉ कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ आज देशभर के वकील हड़ताल पर रहेंगे। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्य बहिष्कार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हड़ताल का असर नहीं होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नमामि ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन करेंगे। अब से देश का सबसे बड़ा रिवर फेस्टिवल असम में शुरू होगा। आज से ये उत्सव राज्य के 21 जिलों में मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल से BS3 मानक वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी और न ही ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे में देश के कई शहरों में बाइक वाले पुराने मॉडल की गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। हालात ये है कि कई जगह बाइक खरीदने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी की दुकानों में आग लग गई। आग रात के करीब 11 बजे लगी। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया गया है। आजम पर लगे करप्शन के आरोपों की योगी सरकार जांच कराएगी। आजम पर वक्फ बोर्ड की जमीन करीबियों को देने के आरोप है। कब्रिस्तान खोदकर पार्क के गड्ढे भरने और सड़क के लिए कब्रिस्तान खुदवाने की भी आरोप है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी 7 राज्यों के सांसदों से मिले। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म समारोह में 89 हस्तियों को सम्मान दिया गया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार पद्म विभूषण सम्मान, पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे। महोबा में ट्रेन हादसे में आतंकी संगठन के जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एटीएस को मिली है पटरी। टूटी हुई हादसे में कम से कम 22 लोग जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जांच कराई जाएगी। हल्की चोट वालों को 25,000 रुपए और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ट्रैक का जो एक पोर्शन है जो कि वेल्डिंग के कारण लगता है टूटा है, अब क्यों टूटा है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या कारण है उसका वेल्ड टूटने का वो हम लोग को बाद में पता चलेगा। अफ्रीकी नागरिकों पर नस्लीय हमले को लेकर नोएडा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि केनिया की लड़की का अपने ही दोस्तों से झगड़ा हुआ था, यह नस्लीय हमला नहीं था। जब पुलिस ने इंटरोगेट किया तो इनकी अपनी जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशन है, उनके जो भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी हम लोगों के साथ थे पूछताछ में। मतलब जो उन लोगों ने मुझे बताया है कि शायद इनकी जो है झगड़ा अपने ही किन्हीं दोस्त से हुआ और उन्होंने साफ लिखा है कि ये हम थोड़ी सी हम लोग अपना एम्बरेस्ड हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कान्हा उपवन पहुंचेंगे। करीब 45 मिनट तक वो यहां रहेंगे। इस दौरान सीएम उपवन में रह रहे हिरण और बारहसिंगा जैसे जानवरों की देखभाल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम योगी को मिली जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा। सीआईएसएफ के 36 कमांडो और 4 सब इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात होंगे। सदन में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। योगी बोले कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, 22 करोड़ जनता का ध्यान रखना है। इसी दौरान योगी ने विपक्षियों से सहयोग मांगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चुनावी मंचों पर हम लोग एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के बांग-बाणों से प्रहार करते हैं। इस प्रकार के बातों से दूर रह करके उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में सोच सके, इस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
यूपी में सीएम योगी से मिलने के बाद आज से मीट व्यापारी दुकान खोलेंगे। सरकार और मीट एसोसिएशन की तरफ से साझा बयान जारी किया गया और कहा गया कि मसले पर सकारात्मक बातचीत हुई। उदयनारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, विधायकों ने उन्हें बधाई दी। योगी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधायक दल की बैठक हुई, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में जनमत भ्रष्टाचार के खिलाफ बल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में विधायकों की क्लास ली और कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारियों से दबंगई न करे, अफसरों से फोन पर संयम से बात की जाए। नकल पर नकेल के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। 178 कक्ष निरीक्षकों और 70 परीक्षार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 मैनेजर्स और 111 केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम के बहिष्कार पर घमासान है। मेयर ने विरोध करने वाले मुस्लिम पार्षदों की सदस्यता खत्म करने और सदन में नहीं बैठने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी सदस्यों ने यह प्रस्ताव पास कर दिया। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने दोहराते हुए कहा कि वंदे मातरम का अपमान कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे, चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। सीएम योगी की नमाज और सूर्य नमस्कार की तुलना करने पर एसपी नीता आजम खान ने कहा कि अगर मैंने ये कहा होता तो अब तक मेरे हाथ में हथकड़ी होती। सीएम योगी के सूर्य नमस्कार और नमाज के बयान का देवबंदी उलेमा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं, बाकी किसी के सामने नहीं झुकते। राम मंदिर बनवाने के पक्षधर कुंवर सैयद इकबाल अहमद का कहना है कि तमाम तथ्यों से साफ हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर लखनऊ में एक पोस्टर लगा है। आजम खान राष्ट्रवादी के नाम से ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें मुस्लिम कार सेवक मंच लिखा गया है। प्रतापगढ़ में अपना दल के विधायक की मौजूदगी में फरमान जारी हुआ। सदर विधायक संगम लाल गुप्ता की अदालत लगी और विधायक के गुर्गो ने पीड़ित पक्ष से जबरदस्ती समझौता कराया। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया। एटा बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया के बेटे धर्मेंद्र कठेरिया ने गंदगी का निरीक्षण किया। इस दौरान वो पुलिस स्टाफ को फटकार लगाते हुए दिखे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल्स के मेस से नॉनवेज खाना गायब हो गया। अब छात्र शाकाहारी खाना खाने को मजबूर है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक्स की कपलिंग निकली हुई है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस बात से बेखबर है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में पुलिस की गुंडाई सामने आई। झांकी से दर्शन करते समय पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई कर दी। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। शाहजहांपुर में दारोगा पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। एसपी ने दारोगा को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मथुरा के नौझील थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और बालिका के शोर मचाने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई। बदायूं में जिला विद्यालय निरीक्षक के छापे में एक इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल पकड़ी गई। मोबाइल के जरिए यहां नकल चल रही थी। छापेमारी में 7 शिक्षकों एक फर्जी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। संत कबीर नगर में स्टैटिक मजिस्ट्रेट खुद नकल कराने के लिए स्कूल प्रबंधक से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रिश्वत लेने वाला आरोपी सेवायोजन कार्यालय में तैनात है। मुजफ्फरनगर के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में छात्राओं को निर्वस्त्र कर क्लास में बैठाने का शर्मनाक मामला सामने आया। आरोप हॉस्टल के वार्डन पर लगा है। मामला सामने आने पर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी को निलंबित कर दिया गया। कन्नौज में कलयुगी बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बेटी के प्यार में बाधा बन रहा था, जिसके बाद आरोपी लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। हमीरपुर में बुंदेलखंड के जाने माने मौरंग व्यवसायी के मुनीम विनीत पॉलीवाल ने खुद को घर में बांध कर गोली मार ली, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मामले की जांच चल रही है। हमीरपुर में कोर्ट से जेल वापस आते समय जेल वैन में दो मुलजिमों के बीच झगड़ा हो गया और जेल पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। झगड़ा शांत होने के बाद जख्मी मुलजिम को हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के भाई को दबंगों ने कुएं में फेंक दिया। भाई को बचाने के लिए युवती भी कुएं में कूद पड़ी। दोनों की मौत हो गई।
फतेहपुर में तिराहे के निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और बवाल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। फतेहपुर में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। लखनऊ में थाना गोसाईगंज इलाके में एक 35 साल की दलित महिला की प्रेमी ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की तलाश जारी है। रायबरेली में भंडारे में 11 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई और बाद में उसका शव जंगल में खून से लथपथ मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत के कोडी गांव में युवक का शव मिला। परिजनों ने तांत्रिक क्रिया के चलते हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। बिजनौर में नाव पर सवार दो दर्जन लोग गंगा में डूब गए। डूबे हुए लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जिसमें एक महिला अभी भी लापता है। गोंडा बहराइच मार्ग पर पुलिस जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 15 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। काशीपुर में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ। प्रेमी प्रेमिका की पिटाई के मामले के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस गांव में लगातार दबिश दे रही है। बरेली में चौपला रोड पर पत्नी ने पति को सड़क पर ही बुरी तरह पीटा। पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी शराब के नशे में थी। आगरा में एक युवती ने युवक की पिटाई की। युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है। बागपत में जिला न्यायालय परिसर में एक पति बेखौफ होकर कोर्ट परिसर में अपनी पत्नी पर तान दिया, जिसके बाद वहां मौजूद वकील और भीड़ ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुजफ्फरनगर के तलाकशुदा दामाद ने ससुराल में खूनी तांडव किया। तलाकशुदा दामाद ने पत्नी और साले सहित ससुर सास पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में शराब विक्रेताओं ने हाईवे से दुकानें शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन दुकानों को शिफ्ट करने के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे शराब विक्रेता शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। इलाहाबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2017 को न्यायपालिका को तोड़ने वाला बताया। उनके मुताबिक अधिवक्ताओं को कमजोर किया जा रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को देर शाम बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अभी तक बांदा मंडल कारागार में सुरक्षा बलों की कमी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के शिफ्ट होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर में इंडियन गैस बॉटलिंग प्लांट का रसोई गैस से भरा टैंकर ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों ड्राइवर जख्मी हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, बावजूद इसके टैंकर में रखे रसोई गैस सिलेंडर क्षतिग्रस्त नहीं हुए। बिजनौर में रहने वाली मुस्लिम महिला ने ट्रिपल तलाक के मामले पर मोदी सरकार पर पूरा भरोसा जताया है। महिला का कहना है कि मोदी सरकार जल्द ट्रिपल तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाएगी। निदा खान एक बार फिर चर्चा में है। निदा बरेली के आला हजरत खानदान की बहू है और उन्होंने तीन तलाक के मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा करे। बरेली में एसटीएफ और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही चरस के 153 पैकेट बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने दो पुरुषों और एक महिला को मौके से गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। गोंडा में बिहार संपर्क क्रांति से सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। ट्रेन रोककर महिला की डिलीवरी कराई गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जौनपुर के प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज पर छापेमारी की। छापेमारी में करीब 64 लाख रुपए की धांधलीबाजी का मामला सामने आया। कासगंज न्यायालय में एक दुराचारी को 7 साल की सजा सुनाई गई। आरोपी ने 5 साल पहले एक महिला के साथ दुराचार किया था। ललितपुर में सिंचाई विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया। चेक डैम निर्माण में भ्रष्टाचार चल रहा है। लघु सिंचाई द्वारा चेक डैम निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। संत कबीरनगर में एक परिवार ने अपनी मासूम बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। डीएम से निजी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। मथुरा में नकल का खुले खेल जारी है। भोला शंकर इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल कैमरे में कैद हो गई। छात्रों से मोटी रकम लेकर नकल कराई जा रही है। गुरुवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और खनन पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए खनन भी जरूरी है। सीएम ने हरिद्वार में कनखल राजघाट पर संत श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई स्थानीय विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य पर इस समय 45,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में सरकार इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती है।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रशासनिक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के देहरादून कैंप ऑफिस को बंद करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के नेतृत्व में केदारघाट मणिकर्णिका घाट जड़ भारत घाट पर जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। चुनाव में हुई हार पर मंथन करने के लिए आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। जीतने वाले विधायकों के साथ हारने वाले प्रत्याशी भी शामिल होंगे। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लंबित मामलों पर लोक अदालत का आयोजन किया है। 138 एनआई एक्ट के मुकदमों का निस्तारण होगा। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही अल्मोड़ा में पानी का संकट भी शुरू हो गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों को पेयजल देने वाली नदियां सूख रही हैं। अतिथि शिक्षकों के मामले पर पहले ही हाईकोर्ट 31 मार्च तक अनुबंध समाप्ति के आदेश दे चुका है। ऐसे में अब सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े होकर उन्हें आश्वासन दिया है। एनएच घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। हरीश रावत सरकार के दौरान इसे पूरी तरीके से झुठलाने की कोशिश की गई थी। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कलेक्ट्रेट में फैली गंदगी की खबर दिखाने के बाद से अधिकारियों में हड़कंप है। मसूरी घूमने आए हरियाणा के एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ मसूरी घूमने आया था। कुड़की के सुनेहरा गांव से नवी कक्षा की छात्रा लापता है। 18 फरवरी से ये नाबालिग लापता है। इलाके में हड़कंप है। देहरादून में वैज्ञानिक के घर बंधक बनाई गई युवती के मामले में पुलिस ने बड़े रैकेट का अंदेशा जाहिर किया है। पुलिस ने एक टीम तैयार कर दिल्ली भी भेजी है। कालाढूंगी के बरहानी रेंज में तस्कर तमंचों की नोक पर लाखों रुपए का सरकार को चूना लगाया जा रहा है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपी गिरफ्तार किए। रामनगर में वनकर्मी की हत्या के मामले पर अब सियासी बवाल बढ़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार को सदन में घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाए। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ही प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कुल सचिव छात्रों का उत्पीड़न कर रहे हैं। रुड़की में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। जनता और पुलिस के बीच लेकिन इस बीच झड़प भी नजर आई। चमोली में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हुए वहां मोबाइल नेटवर्किंग शुरू करने की मांग की है। गर्मियां शुरू होते ही जौनसार बावर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गांव के प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। सरोगेसी के जरिए दो जुड़वा बच्चों के पिता बने। करण जौहर चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी फिल्म संगीत सुनते हुए बड़े हों, जिसे सुनकर वो बड़े हुए थे। बच्चों के कमरे में हमेशा उनका पसंदीदा संगीत बजता रहे। सलमान खान और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद एक्टर अमित साध फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म गोल्ड हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह पर बेस्ड है। सूरज पंचोली ने अब अपनी बहन सना की पार्टनरशिप में एक हेल्थ कैफे खोलकर बिजनेस में आने का फैसला किया है। वो पहले ही गोवा में एक बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट के मालिक हैं। सूरज अपने ट्रेनर के सहयोग से फिटनेस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हिट फिल्म देने वाली आलिया भट्ट जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधना चाहती है। उनका कहना है कि वो सेटल होने में लेट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके भी अपने कई नुकसान है। नेहा धूपिया की 2004 में आई फिल्म जूली का सीक्वल बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें नेहा की जगह साउथ की एक्ट्रेस राय लक्ष्मी होंगी। लक्ष्मी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। राय लक्ष्मी ने फिल्म के लिए अपना 15 किलो वजन भी कम किया है। फाइनली ये साफ हो गया है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव कपिल शर्मा के शो से जुड़ रहे हैं। जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी कपिल शर्मा के शो से जुड़ेंगी, ये भी खबरें हैं। वंशवाद के मुद्दे पर विद्या बालन ने कंगना के खुलकर बोलने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद कभी भी वंशवाद का सामना नहीं करना पड़ा। वो नहीं मानती कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। अगर आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। फिल्म ट्यूबलाइट की एडिटिंग में बिजी निर्देशक कबीर खान इस फिल्म के बाद डिजिटल वर्ल्ड में धमाका करेंगे। कबीर खान सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक वेब सीरीज की योजना बना रहे हैं। ये इंटरनेशनल होगी। शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अबराम खान की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अबराम स्पाइडरमैन के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने इस ट्वीट का कैप्शन दिया है, स्पाइडी बूम एट होम। फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा स्टेशन पर एक शख्स की मौत के संबंध में शाहरुख खान ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वडोदरा पुलिस की तरफ से उन्हें समन जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है।